पूरे YouTube पर कहीं वीडियो एडिटिंग सीखोगे तो सब ऐसे बताएंगे कि ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे कर लेना, हो जाएगा, लेकिन करके कोई एक्चुअल में नहीं दिखाता। तो आज हम आपको आप ही की वीडियो को एडिट करके दिखाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करना चाहिए। स्पेशली अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं या फिर स्केच वीडियोस होती है या फिर स्टोरी टाइप की वीडियोस होती है, उनको कैसे एडिट करना चाहिए। देखो, एडिटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ Adobe Premiere Pro। आप चाहो तो कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सिस्टम होगा, जो स्टेप्स होंगे, वो सभी सॉफ्टवेयर में सेम तरीके से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि आप लोग मुझे अपनी फाइनल वीडियो और उसका रो डेटा भेजो, ताकि मैं एडिट करके बताऊं कि आपकी वीडियो में क्या कमियां हैं और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और वहीं पे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनकी ये वीडियो को आज हम एडिट करने वाले हैं। किस तरीके से इनकी ओपनिंग है, आप ये देख लो एक बार। ये कहानी है राजवीर की, या यूं कहें उन सब की जो अपने सपने बुनने के लिए अपना घर छोड़कर आते हैं। उनमें से कई बच्चे खुशियों की दावत लेकर जाते हैं, तो कई हार की उदासी। लेकिन योद्धा उसी को कहते हैं जो हार कर भी उठ जाए। तो अब इसको हम एडिट करके बेहतर बनाने वाले हैं। अब सबसे पहले वीडियो के अंदर कोई भी ओपनिंग शॉट नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई ड्रोन शॉट ले लेंगे। अगर आपके पास ड्रोन है तो उसको शूट कर लो, अगर नहीं है तो कोई एक वाइड एंगल शॉट ले लो अपनी सिटी का, अपनी किसी बिल्डिंग पे, छत पे चढ़ के, या फिर वो भी नहीं है तो यूट्यूब या गूगल से कहीं एक दो सेकंड की क्लिप ले लो अपने शहर की या फिर किसी भी एरिया की जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हो, जो ओपनिंग शॉट आपका लगे। अब सबसे पहले ओपनिंग शॉट में यहाँ पे वॉइस ओवर है, तो वॉइस ओवर को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉइस ओवर सबसे पहले आप अच्छे से रिकॉर्ड करिएगा, ताकि आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी जानदार सुनाई दे। अब वॉइस ओवर को ठीक करने के लिए यहाँ इसेंशियल साउंड के ऊपर हम आएंगे, और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर इनमें से कोई आपके वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अच्छा काम करता है तो ठीक है, वरना ऑडियो में से नॉइस को कैसे रिमूव करना है ये हमने अलग से एक शॉट में सिखा रखा है। अब यहाँ पे रिक्शा का ये जो सीन है बहुत लंबा रखा हुआ है, ये चीज़ मैंने बहुत बार समझाई है कि शॉट अगर आपको अच्छा भी लग रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसी को रखे जाओ। अब यहाँ पे इन्होंने मोटिवेशनल सा एक म्यूज़िक लगा रखा है, तो हम भी यूट्यूब से मोटिवेशनल म्यूज़िक डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे वो 40-45 सेकंड तक, जब तक वॉइस ओवर है तब तक अपने म्यूज़िक को रखेंगे। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप ऐसी वीडियोज़ बना रहे हो। अगर आपकी वीडियो के अंदर इंट्रो में वॉइस ओवर है तो 30-40-50 सेकंड मैक्सिमम तक आपको रखना है। अगर वॉइस ओवर नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है, तो 10-15 सेकंड के अंदर आपको ओपनिंग सीन खत्म करना है, क्योंकि अगला सीन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब म्यूजिक को हम स्टार्टिंग में हल्का सा फेड करेंगे, ताकि धीरे से ऊपर की तरफ म्यूजिक आए, ये हम की फ्रेम्स की मदद से कर सकते हैं। अब देखो, अभी तक हमने सीन लगाना शुरू नहीं किया है, सबसे पहले हम अपना म्यूजिक सेट कर लेंगे, क्योंकि जितना हमारा वॉइस ओवर है उसके ऊपर हमारा सीन बनेगा पूरा। तो वॉइस ओवर को हमने अच्छा किया, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमने उतनी ही ड्यूरेशन का बैकग्राउंड म्यूजिक भी रख दिया, ताकि उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग अब हम अपने सीन को लगा पाएं। वरना अगर हम पहले सीन लगा देंगे सारे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें म्यूजिक ढूंढना पड़ेगा। इसलिए पहले आप म्यूजिक ढूंढो और म्यूजिक के अकॉर्डिंग आप अपने सीन लगाओ। अब जहां पे म्यूजिक की बीट शुरू होती है, जैसे आराम से स्लोली ऊपर आ रहा है म्यूजिक और वहां से बीट शुरू होती है म्यूजिक की, वहीं से हम अपने वॉइस ओवर को शुरू करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सिनेमैटिक सा लगता है और म्यूजिक की बीट के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो जो है अट्रैक्टिव बनती जाती है। अब इसके बाद जो भी शॉट आपको बेस्ट लग रहे हैं वो 2-4 शॉट यहाँ पे आपको रखने हैं। अब शॉट रखते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक आपका वाइड एंगल शॉट हो, एक आपका मिड बॉडी शॉट हो, और एक आप क्लोजअप भी रख सकते थे यहाँ पे कि रिक्शा पे ही सामने कैमरामैन बैठा है और वो आँखों का या फेस का क्लोजअप ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी जो है हम उससे काम चला लेते हैं। और यहाँ पे जब सीन खत्म हो रहा है तो आप एक आखिरी शॉट रख सकते थे कि रिक्शा के ये जो टायर है वो जाते हुए आप दिखा रहे हो, और वहाँ पे सीन जो है फेड आउट हो जाता। और इसके साथ साथ आपको अगले सीन जोड़ना था, किसी बिल्डिंग का शॉट दिखाना था। अब यहाँ पे देखो, लड़का इनकी ओपनिंग सीन में सीधा रिक्शा दिखाया और घर के अंदर पहुंच गया दरवाजे के पास। वहीं पे आपको इसकी जगह बिल्डिंग दिखानी थी, लोकेशन आपकी एस्टेब्लिश होनी चाहिए थी कि एक लड़का है बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। ये चीज मैंने बहुत बार बताई है कि जितनी बार आप लोकेशन चेंज करते हो वहां पे आपका एक वाइड एंगल शॉट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लोकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब म्यूजिक खत्म होते ही दरवाजे पे घंटी बजाई, फिर उसके बाद अंदर का सीन दिखाया, लड़का उठ रहा, फिर दोबारा नोक नोक करते हुए सीन दिखाया। ये सारा कट टू कट अभी हमें सिर्फ सीन लगाने हैं।
यहाँ पे आपको बीच के एक्स्ट्रा गैप नहीं रखने, जितना घंटी बजी उसके साथ साथ ही तुरंत हमने अगला सीन दिखाया, उसके साथ साथ उठते ही अगला सीन दिखाया। ऐसा नहीं है कि नोक नोक करके फिर वहीं पे खड़ा हुआ है, दो सेकंड बाद फिर अंदर का सीन दिखा रहे हो, फिर वो दो सेकंड बाद उठ रहे हैं। ये जो बीच के गैप हैं इनको हमें कट टू कट डिलीट कर देना। अब यहाँ पे देखो इनकी गलती थी कि दरवाजा अंदर से खोल रहे तो हाथ कहीं और है, लेकिन जब दरवाजे का शॉट बाहर से दिखाया तो हाथ उसका कहीं और है। ये जो चीज़ें हैं आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि आपके जो एक्टर हैं उनकी पोजिशन किस जगह है। यहाँ पे एक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ में जो बिहाइंड द कैमरा है या जो डायरेक्टर है उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे कि एक्टर के हाथों की पोजीशन किस जगह थी। अब इनके जो डायलॉग है कि तू कब आया, बस अभी अभी आया, ये देखो एक एक सीन करके आप दिखाओगे कि पहले उसका मुंह आ रहा है फिर इसका मुंह आ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाता है और बोरिंग हो जाता है। तो वहीं पे आप एल कट और जे कट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये एल कट जे कट क्या होते हैं मैंने काफ़ी अलग अलग वीडियोस में सिखा रखे हैं, आप वो डेफिनेटली ज़रूर देखिएगा। अब जे कट अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि एक इंसान का डायलॉग चल रहा है लेकिन उसके ऊपर आपकी वीडियो चल रही है दूसरे इंसान के एक्सप्रेशन की, जैसे ही डायलॉग खत्म हुआ दूसरे इंसान का डायलॉग शुरू हो जाएगा। टाइम लाइन के अंदर ये कुछ जे की शेप में बना हुआ आपको नजर आता है, इसलिए इसको जे कट कहते हैं। एल कट में सेम यही होता है कि दूसरे इंसान का डायलॉग चल रहा है और पहले वाला देख रहा है तो वो आपका एल कट हो जाता है। घोड़े पे बैठ के है वो देख नीचे खड़ा, इसमें है घोड़े पे बैठ के है वो देख नीचे खड़ा। और यहाँ पे देखो बहुत बड़ी गलती है कि डायलॉग आपको हमेशा पूरा बोलना है। अब एक बार अगर कैमरा के सामने आप बोल रहे हो तब तो आपने पूरा डायलॉग बोल दिया, लेकिन आप जब कैमरा आपके पीछे नहीं है दूसरे वाले के डायलॉग से पहले आप शुरू कर रहे हो तो डायलॉग को काटना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि पहले 5 लाइनों का डायलॉग था तो उसके बाद जब रिपीट करने लगे हैं तो 2 लाइनों में बोल के फटाफट खत्म कर दिया। आपको डायलॉग तब भी पूरा ही बोलना है ताकि सामने वाला जो है उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, उसका क्या एक्सप्रेशन था, और उसके बाद उसको टाइम मिल सके अपने डायलॉग को बोलने का। अब एक बार ये बिफोर वाला तो आपने देखा था, ये आफ्टर का सीन देखो आप। इसमें सिर्फ अभी कट लगाए हैं, अभी कुछ भी इसके अंदर हमने नहीं किया। ये कहानी है राजवीर की, या यूं कहें उन सब की जो अपने सपने बुनने के लिए अपना घर छोड़कर आते हैं। उनमें से कई बच्चे खुशियों की दावत लेकर जाते हैं तो कई हार की उदासी, लेकिन योद्धा उसी को कहते हैं जो हार कर भी उठ जाए। अब यहाँ पे अगर एडिटिंग हम शुरू करें तो रिक्शा के जो सीन है सारे काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहे हैं इनमें। अब यहाँ इफेक्ट के अंदर जाके हम वॉर्प स्टेबलाइजर को सर्च करेंगे और वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपनी क्लिप्स के ऊपर, और 2-4 मिनट के अंदर ही ये आपकी वीडियो को स्मूथ बना देगा। और अगर आपकी वीडियो ऐसे लैग करने लगे, रेंडर करने के बाद अटक रही हो, तो सिंपली एंटर का बटन दबा के अपनी वीडियो को रेंडर कर लेना। रेंडर करने के बाद आपकी वीडियो स्मूथ चलने लगेगी। ऊपर यहाँ पे ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है यानी कि आपकी वीडियो रेंडर नहीं है, जैसे ही रेंडर हो जाएगा ये रेड लाइन जो है आपकी ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद वीडियो को थोड़ा सिनेमैटिक वाली फील देने के लिए ब्लैक बार्स लगा रखे हैं ऊपर और नीचे, तो वो भी आप कर सकते हो। ब्लैक इमेज को डाउनलोड करो या ब्लैक वीडियो को इंपोर्ट करो यहाँ से, और उसको एक ऊपर की तरफ फिट कर दो और एक नीचे की तरफ। जहाँ जहाँ पे साउंड इफेक्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पे आप लगा सकते हो, जैसे घंटी बज रही है तो बेल का साउंड इफेक्ट, नोक नोक कर रहा है तो नोक नोक का साउंड इफेक्ट, इस तरीके से जहाँ पे भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लगा सकते हो। अब इनकी वीडियो का ये पूरा सीन बना 1 मिनट 40 सेकंड का, लेकिन ये सारा कुछ हमने जब एडिट किया तो वो बना हमारा सिर्फ 53 सेकंड्स का। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को थोड़ा इंगेजिंग भी बना सकते हो और ऑडियंस का भी टाइम बचेगा कि 20 मिनट की वीडियो जो आपकी 12 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी वहाँ पे लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा देर तक भी देखेंगे। तो वहाँ पे एडिटिंग किस तरीके से करनी है इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर बना के सिंपल उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना प्रीसेट लगाना है या फिर जो भी कलर ग्रेडिंग आप करना चाहते हैं सबसे पहले आपको कलर छेड़ने हैं, उसके बाद आप एडजस्टमेंट लेयर में कट लगाओ और जिस सीन के अंदर ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा दो, जिस सीन के अंदर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सपोजर कम कर। कलर्स हमने पहले इसलिए लगाए ताकि पूरी वीडियो के अंदर सेम कलर वाली लुक हमारी बनी रहे, वरना अलग अलग लाइटिंग में आप सीन शूट कर रहे हो तो कलर ग्रेडिंग भी हमारी अलग अलग हो जाती है। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे पूरी वीडियो तो एडिट करके नहीं दिखाने वाला, वो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से एडिट करनी है। लेकिन अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी आप चाहते हैं हम आपकी और वीडियोज़ को एडिट कर करके सिखाएं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।